हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है शिवरात्रि और मैं जल्दी से रेडी होके पूजा करने के लिए जा रही हूँ। सबसे पहले तो हर हर महादेव। और मैं फास्ट में नहीं हूँ, बट मैं हमेशा शिवरात्रि में पूजा करके ही खाती हूँ। और अब मैं फाइनली पहुंच गई हूँ मंदिर पूजा करने के लिए। एक्चुअली मैं ना जो जल ढारने वाला लटकी होता है वह मैं भूल गई थी, तो मैं पंडित जी से मांग के लाई हूँ। एक ही लाई थी और अभी मैं पंडित जी से मांग के लाई हूँ और अब मैं जा रही हूँ जल भरने के लिए जा रही हूँ। और यहाँ पे मैं और मेरी फ्रेंड भर रही हूँ जल, और अपने ऊपर पानी भी छिड़क लिया क्योंकि इतने दूर से आई हूँ, कचरा वगैरह जो भी रहता है रास्ते में, तो इसलिए मैं अपने ऊपर पानी छिड़क लिया हूँ। अब जा रही हूँ पूजा करने के लिए। ज़्यादा इस मंदिर में ज़्यादा भीड़ तो नहीं है, बहुत कम है, बट यहाँ से पूजा करके एक और मंदिर है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ही भीड़ होती है, वहाँ भी मुझे जाना है, बट यहाँ पर पूजा करके जाना है मुझे। और कहने को है कि लोग कहते हैं कि जो घर के सामने जो मंदिर होते हैं उसे छोड़ के आगे वाले मंदिर में नहीं जाया जाता है, इसीलिए सबसे पहले ये मंदिर में आई पूजा करने के लिए, इसके बाद उसमें जाऊंगी। लाओ झोला, झोला लाइए इधर। पान के पत्ता पर पैसा है उधर। प्रसादी क्यों ले, किसको लेना है प्रसादी? जल्दी आवे। एक्चुअली है कि थोड़ा लेट गई थी पूजा करने के लिए, तो बेलपत्र वगैरह जो भी हो, जो भी चढ़ता है प्रसाद वगैरह, ज़्यादा हो गया था, भर गया था एकदम से, तो इसीलिए वो जो भी एक वो हैं वो खाली कर रहे थे, हटा रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही हो गया था जिस टाइम मैं आई थी, बहुत ज़्यादा था। अब वो खाली करके इतना पे लाए हैं और अभी पूजा तो बचा ही है, शाम तक होती है तो पूजा तो बचा ही है, बट अभी हाफ टाइम है तो भर गया था। और मैं अंदर में पूजा कर ली, अगरबत्ती वगैरह, जल वगैरह, प्रसाद वगैरह चढ़ा दी, और अब बाहर जा रही हूँ पूजा करने, मतलब इसी मंदिर में बाहर भी बहुत सारे गॉड हैं, तो वहाँ पे जा रही हूँ पूजा करने के लिए। अंदर में इतना ज़्यादा धुआं हो गया था अगरबत्ती जलाने से, बहुत ज़्यादा धुआं हो गया था, बिल्कुल आँख खोला नहीं जा रहा था, और मेरे को तो बहुत ज़्यादा आँख में लग रही थी, जब भी आँख खोल रही थी तो आंसू आ जा रहा था आँख में, इतना ज़्यादा धुआं लग रहा था कि थोड़ी देर के लिए मुझे बाहर आना पड़ा। भाई आँख तो बिल्कुल नहीं दिया जा रहा है, पता है? हम दोनों ने प्लानिंग करके ही आज सूट पहना है। आप लोग ज़रूर बताना कि सूट में मैं कैसी लगती हूँ। एक्चुअली मैं सूट पहनती नहीं हूँ, पहले तो बिल्कुल नहीं पहनती थी, बट अब कहीं कहीं जाती हूँ तो पहनती हूँ, जैसे पूजा वगैरह करती हूँ या कहीं इस टाइप का फंक्शन वगैरह होता है तो वहाँ पे मैं सूट ही डाल लेती हूँ।
और फाइनली अब जा रही हूँ दूसरी मंदिर जो काफ़ी डिस्टेंस में था, और ये रही आपकी दूसरी मंदिर जो कि यहाँ पे काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी ही भीड़, बिल्कुल जाने का, अंदर जाने का बिल्कुल जगह नहीं थी। और यहाँ पे मैंने फूल बेलपत्र वगैरह खरीदी और फिर अंदर जब गई, थोड़ा सा अंदर गई तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि जाने की हिम्मत नहीं कर रही थी। मन ऐसा हो रहा था कि नहीं, अंदर नहीं जा पाऊँगी, रिटर्न आ जाती हूँ, बट नहीं, सारी चीज़ मैं खरीद ली थी तो अब तो अंदर जाना ही था। और अब ये अंदर की सीन है, बिल्कुल अंदर जहाँ पे भोलेनाथ हैं वहाँ पे जल चढ़ाया जाता है, वो अंदर की भीड़ है इतनी ज़्यादा। और अंदर जाने के बाद फाइनली पता चला कि चोरी बहुत ज़्यादा ही हो रहा है, किसी का फ़ोन चुरा लिया जा रहा है, किसी को गले के नेकलेस, किसी का कुछ। और मैंने चेन पहन रखा था तो मैं काफ़ी डर गई, ऊपर से फ़ोन वगैरह सब था तो मैं बिल्कुल ही काफ़ी डर गई थी, ना मैं कहीं फ़ोन रख सकती थी, किसी को दे सकती थी, ना ही कुछ। तो फिर एक आंटी आइडिया दी कि गले में वो जो चुंडी था उसको लपेट लेने का बोली थी, कि गले में चुंडी कस के बांध लो, जिसे कोई खींचे वगैरह भी तो पता चल जाएगा। तो मैंने डर के मारे चुंडी गले में लपेट लिया था और फ़ोन हाथ में रखा था। और हम लोगों का जिस चीज़ का डर था वही चीज़ हम लोग के साथ हुआ। हम लोग काफ़ी संभल के अंदर गए थे, हर चीज़ सही से रख के गए थे, बट फिर भी हम लोगों के साथ ऐसा हुआ। मतलब एक फ़ोन तो बचा और एक फ़ोन चोरी हो गया। फिर इसके बाद अच्छे से पूजा भी नहीं कर पाई और कंप्लेन करना था जिनका ड्यूटी था उनसे जाके बात की कि फ़ोन चोरी हुआ, तो उन्होंने बताया कि आपको थाना में जाके लिखवाना होगा एप्लीकेशन वगैरह, तो वहाँ पर जाके यहाँ पे एप्लीकेशन लिखवा रही है मैडम, और यहाँ पे एप्लीकेशन लिख के दी, AIMI जो नंबर होता है जो भी, वो लिख के दिया वहाँ पे हमने। आप लोगों को वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, हम लोग के साथ बहुत ज़्यादा ही बुरा हुआ था, कभी ऐसा सोच नहीं सकती थी कि ऐसा हम लोग के साथ होगा। फाइनली घर पहुंच गई हूँ पूजा करके, बट आज हम लोग के साथ बहुत ज़्यादा ही बुरा हुआ है। हम लोग गए थे पूजा करने के लिए तो हम लोग का फ़ोन चोरी हो गया। एक्चुअली बैग में फ़ोन रखी हुई थी पूजा करते टाइम, तो किसी ने ब्लेड मार के और बैग से फ़ोन निकाल लिया है। फिर हम लोगों ने कंप्लेन किया तो पता नहीं वो जो भी एप्लीकेशन वगैरह लिख, हम बोले एप्लीकेशन वगैरह लिखने के लिए, तो एप्लीकेशन वगैरह लिखी और देखती हूँ आगे क्या होता है। ऐसे लगता नहीं है कि फ़ोन मिलेगा, बट देखती हूँ क्या पता मिल जाए। और यार सच बताऊँ तो मेरा फ़ोन बच गया, सच में महाकाल के वजह से मेरा फ़ोन बच गया, क्योंकि जिस बैग में उसका फ़ोन था उसी बैग में मेरा भी फ़ोन था। और जब उसने ब्लेड मार के और बैग से फ़ोन निकाला था तो शायद मेरा फ़ोन नहीं पकड़ाया होगा उसे, या क्या पता नहीं गॉड की वजह से। बट हाँ, थोड़ी देर के बाद जब उसका फ़ोन चोरी हो गया तो थोड़ी देर के बाद मैंने नहीं देखा, मेरी फ्रेंड जब वो खुद देखी तो बैग में ब्लेड मारा हुआ, तो उसने बोली कि अरे यार फ़ोन, तो मैंने चेक किया तो मेरा फ़ोन बस जस्ट निकलने वाला था, क्योंकि शायद नहीं हो पाया होगा उसको चोरी किया, जो भी किया हुआ तो वो फ़ोन नहीं ले पाया। तो फिर मैंने देखा कि फ़ोन बिल्कुल बाहर था मेरा, थोड़ा सा ही अंदर था, गिरने वाला था। तो फिर मैं देखी तो मेरे को तो सच में यार जान आ गया, बट उसका फ़ोन नहीं था, बहुत सैड हुई उस टाइम। फिर तभी से फ़ोन खोजना चालू कर दी मैंने। और सच बताऊँ तो मैं काफ़ी डर गई थी, एक तो फ़ोन, ऊपर से मैं चेन पहनी हुई थी तो मैं काफ़ी डर गई थी कि यार कहीं ये ना खींच ले। मैं बार बार अपनी चुनरी से चेन को ढक रही थी। एक आंटी थी तो आंटी को पता है, हम लोग साइड थे वहाँ पे बातें कर रहे थे, तो एक आंटी बोली कि आंटी को पता चल गया कि हम लोग का फ़ोन खो गया। आंटी वो तो मैंने बोला मैं चेन पहन रही थी, तो आंटी बोला बाबू एक काम करो तुम ना चुंडी से उसको ढक लो। तो मैंने पूरे गले में चुंडी लपेट लिया था डर के मारे, इतना ज़्यादा मैं डर गई थी, क्योंकि सच बताऊँ तो फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ था कि
कोई भी चीज़ चोरी हुआ तो फर्स्ट टाइम छोटी मोटी चीज़ चोरी होती थी कि इतना ज़्यादा लॉस नहीं होता था, बट सच बताऊँ तो इस बार बहुत ज़्यादा ही लॉस हो गया मेरी फ्रेंड को, बहुत ज़्यादा ही, बहुत काफ़ी रो वगैरह रही थी वो यार। और हम लोगों का ही नहीं, हम लोगों के जैसे बहुत सारे लोगों का फोन चोरी हुआ, किसी का चेन तो किसी का नेकलेस, ये सब सारे बहुत सारे सामान चोरी हुआ। जब मैं कंप्लेन करने गई थी थाना, बगल में ही थाना था, कंप्लेन करने गई थी तो वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, सभी ने बोला ये हुआ वो हुआ ऐसा हुआ है, सभी ने बोला कुछ ना कुछ चोरी हो गया था सभी का। सोच रहे होंगे कि मेरा फ़ोन था, मेरा फ़ोन नहीं था, बट मेरे साथ जो मेरी फ्रेंड्स लोग गई थी उसका फ़ोन था, तो समझो मेरा ही फ़ोन था क्योंकि मेरे साथ गई थी वो। और सच बताऊँ यार तो लाइफ में पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, कभी कुछ मेरा चोरी नहीं हुआ था सच बताऊँ तो, बट यार इस बार तो बहुत सैड हो गई, बहुत सैड। मतलब ऐसा हुआ ना, पूजा भी उस टाइम नहीं की थी, पूजा करने जा ही रही थी जब मंदिर में इनकी, उसी टाइम ये चीज़ हो गया, तो समझो पूजा करने का भी मन नहीं था। मेरी फ्रेंड तो पूजा नहीं की, बट मैं तो कैसे भी करके जाके अंदर जल चढ़ा दी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, कैसे भी जाके इतने जल चढ़ाई, फिर बाहर निकली, फिर काफ़ी देर तक मैंने फ़ोन खोजा, मेरी फ्रेंड और मैं फ़ोन खोजा वहाँ पे, फ़ोन तो चोरी कर लिया था, वो मिलने वाला तो था नहीं। तो फाइनली मैं ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। एक्चुअली है कि कंप्लेन तो एप्लीकेशन लिखी थी बट सबमिट नहीं हुई है, क्योंकि EMI फ़ोन जो फ़ोन लिया जाता है, EMI नंबर जो होता है वो दिया जाता है, तो वो वहाँ पे नहीं था, हम लोगों के पास नहीं था, तो वहाँ पे नहीं दे पाई। तो अब हम लोग तो लेके आ गए घर पे, एप्लीकेशन लेके आ गए, तो अभी उसमें EMI नंबर जो होता है वो मेंशन करके एप्लीकेशन लिख के फिर हम लोग को सबमिट करना है वहाँ पे थाना पे जाके। तो अभी तो थोड़ा बहुत काम है हम लोगों को, जिसकी वजह से परेशानी भी है, काफ़ी परेशानी। एक्चुअली फ़ोन में बहुत कुछ ज़्यादा ही, तो बहुत कुछ था फ़ोन में, सब मेरे ही फ़ोन में, सबके फ़ोन में बहुत कुछ ही होता है, क्योंकि आजकल लोग हर चीज़ फ़ोन में ही रखता है। तो मैं फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, बाय बाय।